Welcome to the entrance test. In this video, we will learn how to solve this question. So let's begin. Question says, which of the following are unique feature of living organisms? मतलब हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूनिक है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. हमसे बेसिकली ये पूछ रहा है. तो अपन एक एक करके पहले ऑप्शंस देखते हैं, फिर ऑप्शन देखने के बाद अपन इसका आंसर देखेंगे. पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. दूसरा क्या बोल रहा है, रिप्रोडक्शन एंड एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट. ऑप्शन थर्ड क्या बोल रहा है, मेटाबॉलिज्म एंड इंटरेक्शन. ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ दीस. तो बच्चों देखो हमसे क्या पूछा, हमसे पूछ रहा है यूनिक फीचर बताओ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. तो आपको जैसा कि पता होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं. अब वो जब ग्रो करते हैं तो किस में ग्रो करते हैं, वो साइज में ग्रो करते हैं. साइज का ग्रो मतलब सेल बढ़ रहा है तो हो रहा है ग्रो. अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं. रिप्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ, रिप्रोड्यूस का मतलब हुआ कि वो अपने जैसे यंग वंस को क्या कराते हैं, अपने जैसे यंग वंस को जनरेट करते हैं, न्यू सीरीज लाते हैं, है ना. तो ये भी किसका है, ये भी इन्हीं का फीचर है. रिप्रोडक्शन में भी सेल डिवाइड करता है, ठीक है. अगली बात क्या है, रिप्रोडक्शन एंड एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट. इसका मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने एनवायरनमेंट के लिए कैसा हो, अपने एनवायरनमेंट के लिए वो कॉन्शियस कैसा हो, कॉन्शियस की मीनिंग क्या है, कॉन्शियस की मीनिंग है कि अपन अपने वातावरण में, अपने एनवायरनमेंट में समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है. जैसे ठंड हो रही है तो मेरी बॉडी बता दी कि मुझे ठंड हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्वेटर पहन लूँगा क्योंकि मैं कॉन्शियस हूँ, है ना. अगर गर्मी आ रही तो मैं क्या करूँगा, मैं हल्के कपड़े पहनूंगा. तो ये क्या है, ये है आपकी कॉन्शियसनेस कि आप अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हो, ठीक है. इसके बाद अगर हमारा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो किससे बना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है सेल से. अब अगर वो सेल से बना है तो उसमें क्या हो रही होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी. तो अगर उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें हो रहा है मेटाबॉलिज्म. और अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वो उसके जो सेल्स हैं आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं. तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है. तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दीस, ऑप्शन डी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप विजिटिंग आवर प्लेटफॉर्म entrancetest.online फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज. थैंक यू.